हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, योर होस्ट एंड योर वेट। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमने वेटनरी मेडिसिन की कुछ क्लासेस स्टार्ट की हुई है, तो गाइस आज हमारी जो क्लास है वो क्लास नंबर रहने वाली है थर्ड। तो यानी आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर थर्ड, और जिसको हम पार्ट भी थर्ड लेके चलेंगे। तो यानी आज हमारा पार्ट थर्ड है जिसको, और क्लास थर्ड है, ठीक है। तो आज मैं बात करूंगा ड्रग एक्टिंग ऑन CNS। अब ये जो CNS क्या होता है, इसका मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसको बेसिकली CNS भी हम बोलते रहते हैं कि CNS नॉर्मल, यानी जो हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उनके ऊपर कौन सी ऐसी मेडिकेशंस हैं, कौन से ऐसे साल्ट है, या वो किस ग्रुप के अंडर आते हैं, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारे पास रहने वाला है। तो दो ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जो कि बेसिकली हमारे वेटनरी फील्ड के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले है एंटी कन्वल्सेंट्स। अब एंटी कन्वल्सेंट्स के अंदर आपको डाइजेपाम साल्ट देखने को मिलेगा और फिनोबार्बिटोन देखने को मिलेगा। आपने कहीं ना कहीं वेटनरी फील्ड के अंदर इन साल्ट को जरूर देखा होगा। अगर गाइज आपके डॉग का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, या वो जो ट्रीटमेंट है CNS के अकॉर्डिंग चल रहा है, यानी वो उसके जो ऐसी मेडिकेशंस दी जा रही हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर काम कर रही है, तो ये जो डाइजेपाम या फिनोबार्बिटोन, आपने इनमें से कोई भी एक मेडिसिन को अगर देख लिया, तो आप ये पता कर सकते हो कि ये जो मेडिसिन है इस ग्रुप के अंडर आती है। तो इसका जो वर्क क्या रहेगा, एंटी कन्वल्सेंट्स यानी डाइजेपाम और फिनोबार्बिटोन। और इसका एग्जांपल ये रहा गार्डिनल, ठीक है। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है गार्डिनल, आपने देखा भी होगा, गार्डिनल इसको बोल दिया जाता है। तो ये इसका एग्जांपल रहने वाला है और एंटी कन्वल्सेंट ग्रुप के अंदर ही आएगी, ठीक है। सेकंड है सेडेटिव, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब गाइस, कई बार आपने ये देखा होगा कि डॉग ना रेबीज का शिकार हो जाता है। अब जब वो रेबीज का शिकार हो जाता है तो वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है कि वो डॉक्टर को भी बाइट करेगा, अगर आप उसको कंट्रोल करने जाओगे तो वो आपको भी बाइट करेगा, यानी वो आपको 100% नुकसान जरूर पहुंचाएगा। तो हमको सेडेटिव्स इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। अब सेडेटिव्स की अगर मैं आपको सिंपल बात बताऊँ ना, तो इसका मतलब होता है सुन करना, ठीक है। मैं हिंदी में लिख देता हूँ सुन करना, यानी इसका मतलब क्या होता है कि हमें हमारे जो डॉग को बेहोश करना है। हम बोल सकते हैं कि बेहोशी का इंजेक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली गाइज, हमें उसके लिए सेडेटिव्स हमें डॉग को लगाने पड़ेंगे। तो वो साल्ट कौन सा है, एक तो है ट्राइफ्लुप्रोमाजिन, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ठीक है। एक है ज़ाइलाज़िन। अब आपने ये जो ज़ाइलाज़िन है ना, ये कॉमनली सुना ही होगा, बिकॉज इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। वैसे तो इसका भी यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि इसका वेटनरी फील्ड में यूज़ नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर ज़ाइलाज़िन का ही यूज़ किया जाता है। इसके एग्जाम्पल, अब आपने एक सीक्विल नाम का एक इंजेक्शन सुना होगा, सीक्विल करके आता है। आप जैसे अगर आपके वेटनरी डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे ना, और प्रिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि सीक्विल इंजेक्शन लगाओ सबसे पहले, तो बेसिकली ये सेडेटिव्स के अंदर आता है। और एक ज़ाइलाज़िन इंजेक्शन, जैसे कि जो साल्ट है ये ज़ाइलाज़िन, इसी साल्ट के नाम पर ज़ाइलाज़िन इंजेक्शन के नाम आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो ऐसे ग्रुप थे जो कि CNS के ऊपर काम करते हैं, और जो ये बेसिक बता रहा हूं मैं। वैसे तो और भी बहुत सारे साल्ट है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अलग अलग डिफरेंट ब्रांड्स निकालती हैं, और भी साल्ट जो कि डिस्कवर्ड होते ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो साल्ट है कॉमन साल्ट है। तो अगर मैं ज़ाइलाज़िन आपको दिखा भी सकता हूँ, देखो ये मेरे पास है, अवेलेबल है। ये देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये है ज़ाइलाज़िन। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको, ये कैसा दिखता है। ये कहीं आप मुझे बाद में मत बोलना कि सर आपने दिखाया नहीं। ये देखो 10 ml की वायल है मेरे पास, तो ये इस तरह का ज़ाइलाज़िन आता है। देखो गाइज, ये मेरा बताने का मोटो यही है कि आपको नॉलेज हो जाए कि आपके डॉग के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो सही ट्रीटमेंट हो रहा है। बिकॉज गाइज, कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हम हमारे डॉग को कोई एक अच्छे वेट के पास नहीं ले जा सकते, तो हमें कोई लोकल वेट ही मिल जाता है। लेकिन वो जो मेडिकेशंस आपके डॉग को लगा रहे हैं, एटलीस्ट आपको पता तो हो कि वो मेडिकेशंस वर्क क्या कर रही हैं। अब जब आपको उसका वर्क का ही नहीं पता चलेगा कि मेडिसिन का काम क्या है, तो गाइस उसका कोई फायदा ही नहीं है ना। आपके डॉग को कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा उस, ये जो इंजेक्शन जो भी लगाए हैं उसने, अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, या कोई भी ऐसा वेटनरी डॉक्टर है जिनको मतलब इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, या वो कुछ भी लगा रहे हैं, तो एटलीस्ट उस नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए मैंने ये जो क्लासेस वाला सिस्टम रेडी किया है, और मैं आपको बेसिक नॉलेज देता रहता हूं, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर करना। और गाइस, इसी तरह के आगे भी चल के हम पार्ट्स बनाएंगे, पार्ट 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, जो कि हम बेसिक जो मेडिकेशंस है इंजेक्शंस फॉर्म में कवर कर रहे हैं, ठीक है। और मेरे प्यारे दोस्तों, एक रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, आप गाइस अपने डॉग का ट्रीटमेंट विदाउट वेटनरी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से बिल्कुल भी नहीं करें, ठीक है। और उनकी ऑब्जर्वेशन में ही होना चाहिए सब कुछ, उनकी प्रिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, और उनके हाथों के द्वारा ही ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको जो ये नॉलेज दे रहा हूं ना, सिर्फ ये आपके नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए है, आपकी यानी हम बोलते हैं कि आपको नॉलेज होनी चाहिए एटलीस्ट, कम से कम मेरे डॉग को ये इंजेक्शन लग रहा है तो ये इंजेक्शन किस ग्रुप के अंडर आता है। तो गाइस, मैं आशा करूंगा आज की जो हमने वीडियो बनाई है आपके
लिए बेनिफिशियल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।